मदर्स मिल्क इज ऑल्सो सम करेंसी फॉर सम रीजन. एना जे टेलर एज यंगर वर्जन ऑफ चार्लीज थेरॉन. ये मूवी जो है ये फ्यूरी रोड नहीं है. समझ ही नहीं आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि सिर्फ डायलॉग्स ही डायलॉग्स चल रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ. मुझे पता है आप सोच रहे हो कि कौन सी मूवी है जो मुझको आप तक खींच लाई है. फ्यूरियोसा, मैड मैक्स सागा. इससे पहले मैंने मैड मैक्स फ्यूरी रोड को अच्छे से रिवाइज किया, उसके बाद मैं थिएटर में देखने के लिए गया. मैंने इस पिक्चर को दो बार ऑलरेडी देख लिया है. मैं कोशिश करता हूँ आपको बयां करने की ये पिक्चर में अच्छी बातें बुरी बातें आपको कैसी लगेगी और मुझे पर्सनली कैसी लगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ये ऑनेस्ट फीलिंग्स, मैं हूँ डॉक्टर यादव. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन 3, 2, 1. मैड मैक्स की जो मूवीज हैं वो 1979 से बनती हुई आ रही हैं. मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं. 2011 या 14 में बनी हुई थी मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जिसको मैंने अभी रिसेंटली रिवाइज किया, पर पहले भी मैंने देखी हुई है. पर मेरे पे उस मूवी ने उतना इम्पैक्ट नहीं किया था जितना फ्यूरियोसा ने पहली बार में कर दिया है. और मैड मैक्स उन चंद पिक्चरों में से है जिसके अंदर टेक्निकली बहुत सारी चीजें नए तरीके से और अलग तरीके से की गई हैं टू मेक द विजुअल एक्सपीरियंस वे बेटर फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द ऑडियंस. ठीक है, तो जॉर्ज मिलर इसके डायरेक्टर हैं. 79 इयर्स की उम्र में ये पिक्चर बनाने हैं. ये जो वेटरन डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर नॉट पॉल्यूटेड बाय आज का सोशल मीडिया. तो आज का सोशल मीडिया क्या है, जल्दी जल्दी 10-10 सेकंड का कंटेंट दिखाओ, उसके बाद फ्रेम चेंज करो. आपके अटेंशन स्पैन को एक्सप्लॉइट करके, उसके साथ खिलवाड़ बेसिकली करके आपको वो कंटेंट अच्छा लगवाया जाता है. बट फ्यूरी रोड इज नॉट वन ऑफ देम. अब उस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कंटेंट में दम होना चाहिए ना, वो मैड मैक्स फ्यूरी रोड और फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा के कंटेंट में है. देखो, एक दुनिया है, पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है, और ज्यादा दूर का नहीं है, 45 ईयर्स ही हुए हैं. डेजर्ट ही डेजर्ट चारों तरफ, और हरियाली बिल्कुल भी नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं. यहाँ पे लोग जो हैं इंजिन्स, पेट्रोल, गाड़ियां, बाइक्स, इन सब पे राइड करते हैं. वॉर मशीन्स एक तरह से हैं, वो सब बनाते हैं सर्वाइव करने के लिए. अब यहाँ की करेंसी है पेट्रोल, बुलेट्स और व्हीकल्स. सबको एक ही चीज चाहिए, पानी और खाना. अब उसके लिए पूरी फाइट है. प्लेस ऑफ अबंडेंस ढूंढना चाहते हैं. मदर्स मिल्क इज ऑल्सो सम करेंसी फॉर सम रीजन. ह्यूमंस को अच्छे प्योर ब्लड के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उनको ब्लड बैग्स की तरह यूज किया जा रहा है, जो कि मैड मैक्स में मैक्स को करा जा रहा था. लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, और वो सर्वाइवल जो है इसके अंदर बहुत लंबा ड्यूरेशन तक दिखाया जाता है. अब इसके अंदर आती है हमारी एक कैरेक्टर फ्यूरियोसा, जो कि मैड मैक्स के अंदर बस एक ट्रक ड्राइवर होती है, बेसिकली वॉर मशीन ड्राइवर, और वो एक पॉइंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है. तो गैसोलीन के ऊपर थी पूरी पिक्चर. बट वो जो रोड था, उस रोड के ऊपर बहुत सारे इन्वेडर्स एक तरह से वो पेट्रोल को लूटने के लिए और उस पे कब्जा पाने के लिए, और सिटाडेल जहां पे हमारा जो मेन विलन इमॉर्टन जो रहता है, उस जगह पे कब्जा पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं. क्योंकि इमॉर्टन जो जहां रहता है सिटाडेल, वहां पे बहुत सारा पानी है, और वहां पे बहुत सारी फसल है, और वहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बेसिकली, जो सबको चाहिए होते हैं. फ्यूरियोसा बेसिकली बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर इमर्ज होती है. बट फ्यूरियोसा, हमें पता चलता है कि उसको किसी ग्रीन प्लेस नाम की जगह पे जाना है, जहां पे उसको बचपन में ले लिया गया था. अब वो स्टोरी मैड मैक्स फ्यूरी रोड के अंदर नहीं बताई जाती है. वही अब बस वो जो स्टोरी थी, उस स्टोरी को स्टार्टिंग से हमें बताया जाता है फ्यूरियोसा पिक्चर के अंदर. चार्लीज थेरॉन प्ले कर रही थी फ्यूरियोसा का रोल मैड मैक्स में. ये फ्यूरियोसा जो स्पिन ऑफ है, आनिया जे टेलर प्ले कर रही है यंग फ्यूरियोसा का कैरेक्टर, जो कि 40 से 45 मिनट के बाद आता है पिक्चर के अंदर. और टॉम हार्डी का कैरेक्टर उधर था, टॉम हार्डी का कैरेक्टर इधर नहीं है. अब यहाँ पे फ्यूरियोसा बेसिकली इज टेकन अवे फ्रॉम द ग्रीन प्लेस. कैसे उसको लिया जाता है वो हमें बताया जाता है, और किन सर्कमस्टांसेस में फ्यूरियोसा बड़ी होती है, और फिर बड़ी होने के बाद वो क्या करती है कि वो मैड मैक्स फ्यूरी रोड, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाले इवेंट्स तक पहुंच जाए इवेंचुअली, जो 10 साल पहले वाली पिक्चर में हुआ था. ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको सिनेमेटोग्राफी के बारे में. डेजर्ट में शूट की गई है पिक्चर पूरी की पूरी, और क्या गजब सीन्स हैं. ऑलमोस्ट सारे शॉट पैन जूम वाले हैं, पैन भी कर रहे होंगे जूम भी कर रहे होंगे. फ्रेम रेट है वो वेरिएबल फ्रेम रेट है. एंड एक्शन सीक्वेंसेस में जहां पे डायरेक्टर को लगा कि उनको कम करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, वो डायरेक्टर ने चेंज किया. मैड मैक्स फ्यूरी रोड 50-60% 24 FPS में थी, बाकी की सारी अलग अलग फ्रेम रेट्स में थी. जहां पे डायरेक्टर को लगा कि स्लो करना है वहां पे स्लो कर दिया, जहां पे तेज करना है वहां तेज कर दिया. जर्की कार्टूनी सीक्वेंसेस लगते हैं कुछ तो पिक्चर के अंदर. जो
जितने भी शॉट्स इस पिक्चर के अंदर शूट किए गए हैं वो सारे के सारे सेंटर अलाइंड हैं। बेसिकली ऑडियंस को ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर कहां पे है। पूरे एक्शन को फॉलो करने के लिए जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी का यूज किया गया वो बहुत ही जबरदस्त है। गाड़ी के नीचे जब कोई कैरेक्टर आ जाता है तो उसको भी बड़े अच्छे से दिखाया जाता है। मैड मैक्स पहले वाली थी उसके अंदर बहुत पीला पीला पीलापन था, बट इसके अंदर पीलापन नहीं, ये बहुत ही साफ और क्लीन लगती है और बहुत ही नई नई लगती है। आने जाए टेलर is nailing it, Anya Taylor as younger version of Charlize Theron. तो Furiosa की जो struggle है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Furiosa जिस चीज़ों से go through करती है, यहाँ पे acting performance जो Anya की है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको dialogues की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी Anya को चोट लगती है, जब भी Furiosa को चोट लगती है, तो आप Anya के expressions देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि उस वो क्या फील कर रही है एंड वॉट इज शी गोइंग थ्रू एंड वॉट इज शी थिंकिंग इन हर हेड। कोई भी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, emotions and everything is conveyed through visuals and ये बहुत बड़ी achievement है इस picture की मेरे हिसाब से कि Anya बस देखती है जैक को, जैक जो कि इसके अंदर इसका जो लव अफेयर इसके अंदर इस छोटा सा शॉर्ट लिव्ड लव अफेयर होता है वो पूरा का पूरा इज आल्सो विद मिनिमम डायलॉग। बहुत ही कम कॉन्वर्जेशन होती हैं, दो या तीन पेजेस की कॉन्वर्जेशन मुश्किल से इस पिक्चर के अंदर पूरी होंगी, बट मिनिमम डायलॉग्स के साथ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस पिक्चर के अंदर एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। क्रिस हेम्सवर्थ इज द मेन एंटागनिस्ट इन दिस फिल्म। का जो रोल है वो बेसिकली यही है कि Anya Taylor Furiosa को क्रिस हेम्सवर्थ के पास ले जाया जाता है जो कि डिमेंटस रोल प्ले कर रहे हैं। अब डिमेंटस जो है, डिमेंटस बहुत ही एक्सेंट्रिक और बहुत ही वियर्ड कैरेक्टर है। मैं बस ये कहूंगा कि प्लेस हीथ लेजर का जोकर इन दिस यूनिवर्स मैड मैक्स यूनिवर्स तो वो कैसा रहेगा, वो ये है। और वो इंसान किसी का भी नहीं है बेसिकली, वो अपनी डोमिनियंस बेसिकली दिखाना चाहता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मैं बहुत नीचे वापस चला जाऊंगा। और उसका भी एक रीजन है और वो रीजन पिक्चर के एंड में आपको पता चलता है। तो कोई भी कैरेक्टर एवे ही नहीं है और ये सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो इस वर्ल्ड के अंदर डेवलप हुई हैं। तो दिस मूवी इज वियर्डली स्पिरिचुअल आल्सो, मॉडर्न जो इसके अंदर बहुत कम है और बहुत यंग है, इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव है, थोड़ा ज्यादा बोलता है, उतना एक्सेंट्रिक नहीं है जो पिछली मूवी में था। इसके बाद सीजीआई की मैं बात करना चाहता हूँ। सीजीआई इज नॉट दैट ग्रेट। सीजीआई जो इनिशियल फ्रेम्स ऑफ द फिल्म है वहां पे बहुत ही अजीब और बहुत ही बिल्कुल पता चलता है कि ये सीजीआई है। तो जब सीजीआई पता चल जाता है ना, लाइक हमें पता है कि नकली है पर दिखने लग जाता है ना कि ओ यार ये तो नकली दिख रहा है, पता चल गया, तो जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाली चीज है वो आप थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। साउंड डिजाइन पिक्चर का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। जितनी भी कार्स और बाइक्स इसके अंदर है उन सबके इंजन की जो साउंड है वो बहुत अच्छी है। V8 इंजन का बहुत नाम लिया जाता है, यहां तक कि इसके अंदर जितने भी वॉर बॉयज है उनका जो साइन है वो ऐसा है तो जो V8 इंजन की तरह ही लगता है। तो इन्होंने V8 इंजन को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। तो अ क्लैन विच बेसिकली वर्शिप्स V8 इंजन्स, तो वो इंजन्स की आवाज तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो मैंने इसको जब IMAX में देखा तो इसकी जो साउंड है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि मेरी जो सीट्स है वो रंबल करती हैं जैसे कि डायरेक्टर ने बोला था, और वो रंबलिंग पूरे मूवी के अंदर थ्रू आउट आपको सुनाई देगी। मतलब यहाँ पे दूर से डिस्टेंट कोई भी इंसान अगर अप्रोच कर रहा है या फिर कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो उनके इंजन्स की आवाज से वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि डू यू हियर दैट, कैन यू हियर दैट। इसका बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बहुत ही मिनिमल है। ट्रेलर के अंदर जितना ज्यादा था ना वो इसके अंदर मूवी के अंदर कहीं पे भी नहीं है। मूवी के अंदर बस बहुत सटल बैकग्राउंड स्कोर है, और अगर आप अच्छे साउंडिंग थिएटर में इसको नहीं देखोगे तो आपको बैकग्राउंड स्कोर समझ ही नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ डायलॉग्स ही डायलॉग्स चल रहे हैं। तो जब मैंने IMAX में इसको देखा तो मुझे समझ आया कि यार शिट, द बैकग्राउंड स्कोर इज देयर व्हिच इज वेरी high amount of very strong bass, तो वो बेस ही ऑडियो सिस्टम के अंदर ही आपको सुनाई देगा। आपको बहुत सारे questions के answer जो हैं वो first part में नहीं मिलते हैं, Mad Max Fury Road में नहीं मिलते हैं। उन सारे questions के answer आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें सबसे important question था कि Furiosa ने अपना हाथ कैसे खोया। The movie obviously shows a lot of blood and bloody sequences जिसके अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। अब Fury Road के अंदर सारा रोड पे एक्शन हो रहा होता है, एक्शन सीक्वेंसेज इसके अंदर इतने अच्छे तरीके से शूट किए गए हैं कि वो फ्यूरी रोड से अलग भी लगे और फ्यूरी रोड जैसे भी लगे। ये मूवी जो है ये फ्यूरी रोड नहीं है, दैट वॉज अ रोड जर्नी स्टोरी और जिसके अंदर एक्शन एडवेंचर एक तरह से होता है, बट दिस वन इज अ रिवेंज स्टोरी, रिवेंज ऑफ Furiosa एक तरह से, फ्रॉम हाउ शी बिकम्स फ्रॉम अ गर्ल हु इज टेकन अवे फ्रॉम हर बर्थ प्लेस एंड हाउ शी एंटर्स दिस मैनस वर्ल्ड एंड हाउ शी सर्वाइव्स बेसिकली एंड व्हाट दैट सर्वाइवल कॉस्ट्स, ठीक है, जो लूज करती है ये वो उसके ऊपर बेस्ड है। और वो पूरा का पूरा क्यूमुलेट होता है इसके लास्ट के क्लाइमैक्स सीक्वेंस में जहाँ पे
शी कन्फ्रंट्स दिस विलन, ठीक है, वहां पे फ्यूरियोसा सबसे ज्यादा बोलती है। एक्शन है ना इस पिक्चर का, वो इतना जबरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है कि आप उसका एक एक एलिमेंट हैज अ रीजन टू वाई इट इज हैपनिंग, और उसके अंदर हर कैरेक्टर उसी जगह पे प्लेस्ड है जहां पे उसको होना चाहिए, और ये परफेक्शन है। इट इज सो ईजी टू फॉलो द एक्शन इन द फिल्म कि आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ आ रही होती हैं। मतलब अगर आप मैड मैक्स फ्यूरी रोड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड नहीं मिलेगी। दिस इज अ रेवेंज स्टोरी, इमोशन ज्यादा है, कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन ज्यादा है, कैरेक्टर्स को डिसेक्ट किया जाता है कि वो सारे वियर्ड कैरेक्टर्स इसके अंदर भी है जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड में थी। मैड मैक्स फ्यूरी रोड ज्यादा पीली थी, ये थोड़ी सी क्लीन लगती है, सीजीआई इसका थोड़ा सा एवरेज सा है, पर इट्स स्टिल One of the best films of 2024 जो मैंने आज देखी है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। पीस।